हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल ऑडियो नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, जो एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एडमिट कार्ड है प्री का, वो आउट हो चुका है। तो जिन्होंने भी ये फॉर्म फिल किया था, वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट जो freejobalert.com, यहाँ पे आके आप एचपी आपको दिख रहा होगा ऊपर, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड देन आपको यहाँ पे दिख रहा है HPSCB जूनियर क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक करना है आपको। तो ये एडमिट कार्ड पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एंड देन आपको इंग्लिश या फिर हिंदी, जिसमें आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, उस पर क्लिक कीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया होगा उससे आप देख सकते हैं, और पासवर्ड या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन कर देना फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए कि आपका एग्ज़ाम कब है। ठीक है, 21 अगस्त को भी है और 24th को भी बोल रहे हैं। ठीक है, और सेंटर काफ़ी दूर दूर आए हैं, मतलब मोहाली, मतलब HP का एग्ज़ाम है, और क्योंकि इस बार IBPS कंडक्ट करा रहे हैं तो सेंटर काफ़ी दूर दूर आए हैं। आप लोग अपना सेंटर बता सकते हैं। ठीक है, कईयों का मोहाली में आया है और कईयों का जलंधर, पंजाब। ठीक है, जो हिमाचल के हैं उनका भी दूर आया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। और पैटर्न इसका बैंकिंग पे बेस्ड ही रहेगा इस बार। वैसे पहले तो OMR शीट पे होता था, एक ही पेपर होता था कोऑपरेटिव बैंक का, लेकिन इस बार IBPS इसको ले रहा है, तो उसका पैटर्न सेम बैंकिंग की तरह रहेगा, जैसा आपका IBPS क्लर्क प्री का होता है एग्ज़ाम्स। ठीक है, या फिर आपका RBI असिस्टेंट प्री का होता है एग्ज़ाम। ठीक है, वो ये इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे आपके, 30 क्वेश्चन। ठीक है, और रीजनिंग और मैथ्स में 35-35 होंगे, और जो सेक्शन वाइज टाइम आपका अलॉट होगा 20-20 मिनट्स का, बाकी 1 आवर का पेपर होगा, और सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगी और ओवरऑल भी रहेगी। ठीक है, तो विश यू गुड लक फ्रेंड्स एंड बाय बाय, टेक केयर। और जिन्होंने भी जो RRB NTPC का एग्ज़ाम दिया था, उनका फ़ी रिफ़ंड का आ गया है, लिंक जो है वो एक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो जिन्होंने भी वो एग्ज़ाम दिया था, जिन्होंने फिल तो किया था लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उनको फ़ी वापस नहीं मिलेगी। जिन्होंने पेपर दिया है, सिर्फ उन्हें ही फ़ी जो है वो रिफ़ंड होगी। ठीक है, तो आपको अपनी बैंक डिटेल्स इसी वेबसाइट में मिल जाएगी आपको, freejobalert.com पे जाके RRB NTPC सर्च कीजिए, और वहाँ पे आपको जाके अपनी बैंक डिटेल्स, अपना जो भी रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, बैंक डिटेल्स, और आपको OTP आया होगा 6 डिजिट का, वो आपको अपनी जीमेल की आईडी पे देखना है। ठीक है, 6 डिजिट का, वहाँ पे भी RRB NTPC डालिए, आपको आ जाएगा, और बस उसको एंटर करके अपनी जो भी आपकी बैंक डिटेल्स हैं, ब्रांच नेम, IFSC कोड और अपना अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट होल्डर नेम, ये सब एंटर करके आपको अपनी बैंक डिटेल एंटर कर देनी है, और आपका जो फ़ी है वो आ जाएगा आपके अकाउंट में। ठीक है, तो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।